शैतानी हमला जादुई परी। ये कोई गाड़ी नहीं है, गाड़ी के अंदर चुड़ैल है। ये कहानी है एक शैतान की, जो अपनी शक्ति को ज्यादा शक्तिशाली करने के लिए छोटे बच्चे का खून पीता था। एक दिन शैतान सारे चुड़ैलों को पैदा करता है। ए मेरे गुलामों, जल्दी जाओ, जहां कहीं छोटे बच्चे दिखें उन्हें पकड़कर मेरे पास लाओ। मैं उनका खून पीना चाहता हूं, फिर मेरी शक्ति ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। सारी चुड़ैले नजदीक के गांव को जाते हैं। देखते हैं चिंटू और सीता साथ में खेल रहे थे। देखो ये हमारे शिकार हैं, कैसे ही करके इन्हें शैतान के पास लेकर जाना होगा। तभी तीन चार चुड़ैल खिलौना में बदल जाती हैं। फिर क्या, चिंटू और सीता के पास जाते हैं। खिलौना को देखकर सीता खुश हो जाती है। भैया ये देखो कितना खूबसूरत खिलौना है। ये कहते हुए चिंटू और सीता खिलौना के पास जाते हैं। तभी सारी गाड़ी चलने लगती है। ये देखते हुए चिंटू और सीता गाड़ी के पीछे पीछे जाते हैं। कुछ दूर आने के बाद सारी चुड़ैल अपना रूप बदल लेती हैं। चिंटू और सीता चुड़ैलों को देखकर डर जाते हैं। फिर सारी चुड़ैल इन दोनों को लेकर शैतान के पास जाते हैं। शैतान इन दोनों को देखकर खुश हो जाता है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। मुझे सिर्फ और दो छोटे बच्चे चाहिए, फिर मेरी शक्ति ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। ये सारी घटना परी के दो बच्चे देख लेते हैं। फिर अपने माँ के पास जाते हैं। क्या बात है, तुम दोनों इतने डरे क्यों हो? तभी रोशन अपनी माँ को सारी बातें कहता है। यह सारी बातें सुनकर परी हैरान हो जाती है। जल्द से जल्द उस शैतान को मारना होगा, नहीं तो ये दुनिया शैतान में बदल जाएगा, फिर उसकी हुकूमत चलेगी। ए मेरे बच्चों, तुम दोनों अपना रूप बदल कर पास के गांव को जाओ। जब तुम दोनों को शैतान कैद करके अपने पास रखा होगा, तभी मैं शैतान के ऊपर हमला कर दूंगी। परी के कहने के अनुसार दोनों बच्चे पास के गांव में घूमा करते हैं। तभी चार पांच गाड़ी उनके पास आता है। गाड़ी को देखकर दोनों बच्चे समझ जाते हैं, ये कोई गाड़ी नहीं है, गाड़ी के अंदर चुड़ैल है। फिर ये दोनों परी के कहने के अनुसार गाड़ी के पीछे पीछे जाते हैं। तभी चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है। फिर उन दोनों को शैतान के पास ले जाते हैं। ये देखकर शैतान खुश हो जाता है। इन चारों का खून पीकर मैं अमर हो जाऊंगा। सारी चुड़ैल शैतान के अंदर घुस जाते हैं। शैतान बच्चों को मारने वाला था। तभी परी आ जाती है। मेरे होते हुए तुम इस दुनिया में राज नहीं कर सकते। परी अपनी शक्ति से शैतान को मार देती है। ये देखकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। माँ, अगर ये परी नहीं होती तो हम दोनों को शैतान मार दिया होता। परी अपने बच्चों के साथ अपने घर को चली जाती है।